इतने दिन से हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे ना साथ में, ये सरप्राइज ही हुआ है एक तरीके का। गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन। और पता है कल क्या हुआ, कल शाम को मेरा आदर्श के घर जाने का प्लान था बट मैंने सो गई एंड मैं सो ही रह गई। उसके बाद मैं रात में उठी, फिर तब अंधेरा हो चुका था एंड मेरे को रात में ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ अंधेरे में ट्रैवल करना। तो फिर मैंने सोचा सुबह चलूँगी। मैंने सोचा जब अगर मैं कल सुबह जा ही रही हूँ तो उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ राजमा। यहाँ पर राजमा बॉयल हो चुका है, इधर मैंने सारा सब कुछ तैयार कर चुका है, मतलब प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च सब कट कर चुका है और बस अब तड़का देना है राजमा को। और एंड चावल मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि चावल यार थोड़े चिपक चिपक जाते हैं, अजीब से चावल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं उनको कैसा लगता है। बस फटाफट अब सारा करती हूँ एंड बस अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर रेडी होते हैं उनके घर जाने के लिए। तो दोस्तों राजमा तैयार है, क्या जबरदस्त बनाया है मैंने राजमा। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो उनके लिए ये सरप्राइज ही हुआ है एक तरीके का। बट मजा आएगा, उनका रिएक्शन देखेंगे खाना देख के और उनको टेस्ट करा के भी देखेंगे। अब दिक्कत ये कि मेरे पास ज्यादा बर्तन नहीं है, मतलब ज्यादा बड़े बर्तन नहीं है कि इतना सारा राजमा पैक करने के लिए। तो देखते हैं क्या जुगाड़ लगाती हूँ मैं। दोस्तों देख सकते हो कितने सारे राजमा बनाया मैंने। तो दोस्तों पहले मैं मेट्रो में जाने की सोच रही थी बट हुआ क्या कि मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेट्रो स्टेशन मेरे घर से थोड़ा दूर है अभी नए वाले घर से। तो फिर मैंने नितेश से पूछा कि अगर वो फ्री है तो मैंने पहले सोचा इससे बोलती कि मुझे मेट्रो तक छोड़ दे, बट फिर मैंने सोचा इससे पूछती हूँ अगर ये फ्री है तो ये चली लेगा मेरे साथ। तो और ये रेडी हो गया चलने के लिए एंड कितना अच्छा दोस्त है मेरा, मतलब मेरे सारे ही दोस्त अच्छे हैं, मतलब कॉलेज के बाहर के सभी दोस्त अच्छे, सभी बहुत हेल्पफुल हैं एंड हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इनके सामने ज़्यादा तारीफ नहीं हो पाती मेरे से, तो मैं आप लोगों को किसी और दिन बताऊंगी। और बाकी मैंने आदर्श और प्रीतिश भाई दोनों को मैंने मैसेज कर चुका था कि मैं निकल गई हूँ एंड उनको मैंने नहीं बताया कि मैं आज गाड़ी से आ रही हूँ, तो आज ना मैं उनको सीधे घर के नीचे जाके ना सरप्राइज दूंगी। यार दोस्तों अभी ना एक बहुत प्यारा सा मूवमेंट हुआ, मतलब छोटे बच्चों की वैन जा रही थी एंड ना उन्होंने मेरे को देखा, वो हाथी लाने लग गए, तो मैं भी उनको देख के हाथी लाने लग गई। कहाँ है बोरी 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 वो वैन, अरे बच्चे उन्होंने दिखा वो राइट साइड बैठे और ना हाथ लाइन लग गई तो मैं भी हाथ लाइन लग गई और जितने मैंने कैमरा खोला उतने में वो वैन आगे चले गए और हम इधर फंस गए पर इतना अच्छा लगा ना ऐसे तो प्यारे प्यारे बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे थे इतने बड़े भी नहीं थे छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे ऐसे कर रहे थे मैंने भी ऐसे ऐसे करा और फिर तब तक वो आगे चले गए। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ एंड पता बहुत अच्छा हुआ कि मैं इसको बोल दिया आज कि मेरे को ले, मतलब मेरे साथ चल ले, क्योंकि ये प्रीतिश भैया ने फोन स्विच ऑफ कर रखा है और आदर्श फोन नहीं उठा रहे हैं। तो अब मैं ऊपर जाके ना इनकी डांट लगाऊंगी थोड़ी सी। अगर मैं मेट्रो से आती तो मैं अभी तक वहीं पे खड़ी रहती, मैं कहती मैं कैसे आऊं कहां से जाऊं मेरे को पता भी नहीं है यहां का। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैंने आपको फोन करा था, मैसेज भी करा था कि मैं आ रही हूं अभी उठाऊं मैं। हाँ तो ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर मैं मेट्रो से आ रही होती तो मैं अभी वहां फंसी रह जाती। क्यों फंसी रह जाती? आप तो चुप रहो, स्विच ऑफ करके बैठे हुए हो फोन, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रीतिश भैया हैं तो आ जाएंगे। प्रीतिश भैया एक ने फोन स्विच ऑफ कर रखा, एक ने फोन ही नहीं उठाया, मैं बेचारी। मेरे को भी रुक जा, ब्लॉग स्टार्ट करने दे। भैया क्या हुआ? भैया पेट से। आपको भूख नहीं लग रही? मेरे को तो पता नहीं, मेरे बच्चे को जरूर लग रही है। आपको नहीं लग रही? मैं बता रही हूँ, मैं ना इन लोगों के लिए राजमा बना के लाई स्पेशली। तूने चावल नहीं लाया ना, दिक्कत। मैं चावल मैं इसलिए लाई, मैंने कहा खिले खिले चावल खाएंगे गरम गरम यहीं पे बना के। यहाँ आके देखा इनके पास चावल ही नहीं रखा हुआ है, ये लोग कुछ खाते पीते ही नहीं है भाई, मतलब जो इनके यहाँ आ रहा है। भैया का बच्चा फूट गया, भैया का बच्चा ब्लास्ट हो गया। हाँ तो दोस्तों मैं बता रही हूँ कि ये देखो, अब मैं इनके बारे में बात कर रही थी तो ये लोग डिस्ट्रैक्ट करने लग गए। मैंने कहा इनके घर पे चावल तक नहीं रखा है, ऐसे कहा मतलब खाते क्या हो आप? कुछ हवा ही खाते हो ऐसे लग रहा है। मतलब हम ना इवेंट्स वगैरह में बुलाते रहते हैं, परसों फुकरा इंसान ने बुलाया था तब वहाँ चले गए। हाँ बिल्कुल, मतलब ये लोग ना अपनी भूख बचाते हैं कि जब किसी इवेंट में बुलाया जाए तो उस इवेंट में खाएंगे भर के, है ना। आजकल तो सही में खाते हैं। अभी देखो मैं खिलाऊंगी आप लोगों को टेस्टी राजमा चावल। आर यू एक्साइटेड? यस, बट क्या गारंटी हो टेस्टी है? हमने तो चखा ही नहीं। अच्छे बनाती हूँ मैं, ठीक है, खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ नहीं तो पहले चावल लेके आओ, जाओ जाओ, है ना प्रीतिश भैया। और फिर प्रीतिश भैया बर्तन धोएंगे, फिर प्रीतिश भैया चावल बनाएंगे और साथ में चाय भी बनाएंगे। इनकी वजह से कॉपीराइट आया मेरे वीडियो पे, देख रहे हो दोस्तों।
चुप रहो। तो दोस्तों अभी हम नीचे आए हैं क्योंकि ऊपर तो कुछ था नहीं, नीचे कम से कम थोड़ा बहुत राशन तो है। और प्रीतिश भाई लग गए अपने काम पे बर्तन धोने के लिए। भैया 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 तो भैया है, रेडी टू बिकम किसी के सैया है। और राइम कर गया है ना, वाह 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 करने का दे रानी। एंड मैं दिखाती हूँ मैं कितने सारे राजमा लेके आई हूँ, ये देखो पूरा कढ़ाई भर के भी नहीं, पर ठीक ठाक लाई हूँ, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा तो खाने को मिल ही जाएगा। जब भी आऊंगी ना आपको खाना खिलाऊंगी राम मेरे भैया। वो भैया तो बहुत कम खाते हैं। हाँ भैया तो चखली का पेट है, भैया का इतना इतना खाते हैं। तो दोस्तों आकृति भी आ गई है एंड देख रहे हो कितने बदतमीज है भैया, उन्होंने आते ही इनको काम पे लगा दिया चाय बनाने के। बोला था चावल बनाऊंगा, चावल मैं बना रही हूँ। यहाँ देखो बहनों का काम क्या होता है, किचन में रहे चुपचाप। मैं क्या बोलूं यार, मेरे को आता नहीं है बनाना। यहाँ के चावल भी मुझे बनाने पड़े, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगली बार से लाऊंगी मैं कुछ। रुको 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 आप लोग, इनको वही कुछ भी महिला कुछ भी महिला। उस तो चावल भी बना दिया मैंने। और ये देखो राजमा क्या सुंदर दिख रही है। ऊपर कप कटोरी सब मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। कुछ तो बोलो, खुशबू आ रही है क्या? कुछ तो टेस्ट करके बताओ यार कैसा हो रहा है। अच्छा तूने कर लिया, कैसा हो रहा है? प्रीतिश भाई तो खा ही नहीं रहे। प्रीतिश भैया सिर्फ वो खाते हैं। खा के बताओ यार, चम्मच है नहीं खत्म। ये बड़े लोग इससे तो खाते हैं। बॉय मस्त बना यार, है ना? क्या मुंह क्या बना रहे हो, तारीफ हो रही है मेरी तो मुंह बना रहे हो। दोस्तों सबने खा चुका है राजमा चावल, अब रिव्यूज लेते हैं इनसे ढंग से। कैसे लगा भाई? मस्त है, एक नंबर के जबरदस्त। जैसे कि भाई मैं 5 स्टार में खा रहा हूं। मैंने पैसे नहीं दिए है बोलने को। नहीं दिए यार, मेरे को देख के लगता है कि मेरे पे इतना पैसा होगा कि मैं 100 रुपए दूंगी तारीफ करने के। गाड़ी खरीद ली, बट यार 100 रुपए नहीं हो रहे यार। मैं तो ये कह रहा था, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लाइक अ वाओ। लुकिंग बोल गया, लुकिंग दिखने में थोड़ी ईटिंग टेस्टिंग टेस्टी इट्स सो नेस्टी। आपको बस मस्त राजमा चावल बना के लाई थी और राहुल बाहर से खाना खा के आ गए तो मैंने बनाई, थोड़े से बचे हैं, टेस्ट करके बताओ कैसा है। इतना सा बचा है जो हम लोग छोड़ देते हैं लास्ट। आपको पता है इतने दिन से हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे ना साथ में, लोग लग रहा था हमारी लड़ाई हो गई। कमेंट कर रहे थे यार इधर उधर थे हम, थोड़ा बिजी थे। हाँ यार, और ऊपर से कहाँ ये रहते हैं इतनी दूर साकेत, और मैं कहाँ नोएडा रहती हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो और ऊपर से मेरा कॉलेज भी यार, मैं तो अभी बच्ची हूँ। मैं भी छोटी बच्ची तो इसलिए थोड़ा नहीं हो पाता कभी कभी मैनेज। तो ऐसे मत बोला करो यार कि लड़ाई हो गई, हम सब लोग दोस्त हैं, सब जितने लोग हैं ना आप सब दोस्त हैं। फिर अगली बार मैं आता हूँ। हाँ अब से बताओ, हम ऐसे करेंगे, एक बार मैं आऊंगी फिर अगली बार ही आएंगे, ऐसे ऐसे करके ब्लॉग करेंगे, है ना? और अगली बार आप खाना बना के लेके आना, इस बार मैं लेके आई ना। क्या खाएगी तू? मैं तो पैक करा के ले आऊंगा। ये पैक कराने वाला नहीं होता, पैक कराने वाला ऐसा थोड़ा होता है, बता है ना। मैं खुद अपने हाथों से बना के लाई, तो आप भी लेके आना। बिहार में क्या फेमस है? लिट्टी चोखा ना। ठीक है, पक्का बना के लाऊं। लिट्टी चोखा खाना है। चोखा तो बनाना आता ही नहीं, नहीं तो फिर वो दाल क्या? लिट्टी चोखा बना के लाऊंगा तो तुम खा के देखियो। नहीं 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 नहीं, पैक करके ले आओगी? नहीं, नॉर्मल दाल चावल ले आना कुछ, है ना? या रोटी सब्जी पक्का, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों रेडी रहना, ये खाना बना के लेके आएंगे। दोस्तों मैं निकल दी क्योंकि मुझे काम भी है एंड कल कॉलेज भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत घर का सामान भी लेना है। चाचा बाय बाय। प्रीतिश भाई बाय बाय। दोनों साइड से क्या हो रहा है? बाय अनुश्री, बाय, मिलते हैं फिर। ओके बाय, आना मेरे घर आना नए वाले, ठीक है? बाय राहुल। राजमा कैसे लगे? खाए नहीं, 2 चम्मच खा के बस ऐसे सुद्धी सुद्धी बोल रहे हो। जल्दबाजी में क्यों था राहुल? आप लोग कमेंट में गेस करके बताना, ठीक है? इतने भर के राजमा चावल खाए ना कि हमारा पेट एकदम भर गया था, बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। बट हमें तो निकलना था काम से एंड अभी ना हमने अंकल की पेंटिंग्स उठाई है। देखो अंकल मतलब नितेश के पापा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो इनकी पेंटिंग्स हम लेके जा रहे हैं अभी। बहुत मस्त आर्टिस्ट है अंकल, आप लोग बताना कमेंट में। आपको ना पेंटिंग्स दिखाऊंगी अंकल की कभी, है ना? दिखाएगा तू?
दिखाएंगे आपको पेंटिंग्स अगर बोलते हो कमेंट्स में, हाँ तो दिखाएंगे, तो आपको पक्का दिखाएंगे। सच में बहुत बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं अंकल, और ये भी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है। ये भी बनाता था, अब थोड़ी छोड़ दी, इसने छोड़ दी, पर ये भी बनाता था पोर्ट्रेट्स वगैरह एंड मतलब स्केचिंग वगैरह, ये भी बहुत अच्छी करता है। पर अंकल की पेंटिंग्स तो जब इंस्टा पब्लिक कर दूंगा तब देख लेना। अंकल का चैनल रिवील हम अंकल के साथ करेंगे, देखना पसंद है आर्ट, जिसको आर्ट पसंद है तो मतलब आप लोग बिल्कुल देखना, ठीक है। मैं आपको अंकल के साथ ही रिवील करेंगे अंकल का चैनल किसी दूसरे ब्लॉग में। मतलब मैं हर चारों तरफ से, मतलब मैं आर्टिस्ट से ही गिरी हुई हूँ, हर टाइप के आर्टिस्ट से, मतलब अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है, देख देख के सीखने को भी मिलता है। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूँ एंड काफी अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मैं सब लोगों से मिली। एंड जैसे कि आपको पता ही है परसों आपको नया ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, एंड मेरे कॉलेज भी खुल रहे कल से, तो अब आपको थोड़े कॉलेज वाले ब्लॉग्स भी मिलेंगे मेरे। अगर आप लोग भी एमिटी में पढ़ते हो तो देखते, कभी मिलते हैं अपन लोग भी सब। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।